शाम हो चुका है तो घड़ी में बजे हैं 6:05। अब इस टाइम से हम 2 से 3 घंटे में आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या किया और क्या बनाया, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं केक बनाने जा रही हूँ, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि मैं ये केक क्या बना रही हूँ। तो मैं इसे दो भाग में डिवाइड कर रही हूँ, एक मैं सिंपल टूटी फूटी इडली केक बनाऊंगी और दूसरा जो है चॉकलेटी बच्चों के लिए चॉकलेटी केक बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इसे कितना सिंपल और इजी है इसे बनाना, बहुत ही मिनटों में बन जाता है। तो हमारा ये एक फ्लेवर ये इडली केक रेडी है। इसका दिमाग बहुत गर्म था, मैं छोड़ देती हूँ उसे ठंडा होने के लिए। तो मुझे बनाना था डिनर में पाव भाजी, उसके लिए सामान कुछ कम पड़ रहे थे, तो फाइनली मैं 5 किलोमीटर पैदल चल के आई हूँ सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं यहाँ अपने पसंद की कुछ सब्ज़ियाँ लेती हूँ, खास खास जैसे कि पत्ते गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, जो भी पाव भाजी में पड़ते हैं मैंने यहाँ इकट्ठा किया। तो आप देख सकते हैं कितने वैरायटी की सब्ज़ी है, ये मुझे नाम नहीं पता था इसका। मैं सब्ज़ी लेके 2 मिनट में वापस आ चुकी हूँ। यहाँ हमारे इडली का केक का दिमाग जो है ठंडा हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। देख सकते हैं आप कितना स्पंजी है। अब मैं दूसरे फ्लेवर का केक बनाने जा रही हूँ, इसमें मैंने इनो ऐड किया, इसे थोड़ा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये इडली स्टैंड में डाल देना है। यह हमारा इडली स्टैंड में रेडी हो गया है, अब इसे हमें आंच पे बैठा देना है 10 मिनट के लिए। इस केक का भी दिमाग ठंडा हो चुका है, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। इसे साइड में रखते हैं और करते हैं भाजी की तैयारी। तो रंग बिरंगे यहाँ वेजिटेबल बारीक सारे कटे हुए हैं, जिसे मैं कढ़ाई में डाल के मस्त से पकाना शुरू करती हूँ। इस ट्रिक से आप भाजी बनाओगे तो बहुत ही कम समय में आपका बहुत ही मस्त भाजी बनकर रेडी हो जाता है। अब चॉकलेट केक की बारी है थोड़ा और चॉकलेटी होने का। तो मैंने पहले से ही मेल्ट किया हुआ था कंपाउंड चॉकलेट, तो मैं इस पर स्प्रेड करती हूँ, थोड़ा फ्रिंकल्स डालती हूँ। ये है हमारा वीडियो का मेन पार्ट। तो हमारी हो रही थी बर्थडे पार्टी की तैयारी, तो आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या क्या अरेंज किया है। तो मैंने इस प्लेटर में पाव भाजी, इडली केक, रसगुल्ले और अमूल का चॉकलेटी ब्राउनी आइसक्रीम सर्व किया। तो भाई ये प्लेटर खा के सभी को मज़ा आ जाता है।